हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा केक्स एंड कुजीन। कैसे हैं आप लोग सब? दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो डिश मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है 19 बी सूप। और 19 बी सूप इस डिश का नाम इसलिए पड़ा कि जिस चाइनीज बंदे ने ये रेसिपी बनाई थी उस दौरान में वो एक ट्रेन में सफर कर रहा था और जिस सीट पर बैठा था उस सीट का नंबर था 19 बी। तो इस तरह इसका नाम 19 बी सूप पड़ गया। तो आज शुरू करते हैं 19 बी सूप। बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़ेदार सूप बनता है ये, और सर्दियों में तो खाने में और भी मज़ा आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलें रेसिपी की तरफ। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले पानी डाल के चिकन स्टॉक के लिए हम पहले चिकन डालेंगे और इसकी यखनी तैयार करेंगे। उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी है, गाजर, प्याज और ये लहसुन की कुछ जवे हैं ये मैं डाल दूंगी। लहसुन और मैं अब इसको ढक दूंगी। अच्छा, अब मेरी ये चिकन की स्टॉक तैयार हो चुकी है। अब यखनी मेरी तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं सॉस पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और ये गार्लिक चॉप किया हुआ ये डाल दूंगी। अच्छा, अब लहसुन मेरा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन और ये प्रॉन्स, ये बिल्कुल मिनी प्रॉन्स हैं, बिल्कुल छोटे और चॉप कर लिए थे मैंने, ये डाल दूंगी। अच्छा, अब ये मेरा प्रॉन्स और चिकन जो है ना ये लाइटली फ्राई हो चुकी है, इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं मशरूम्स ऐड करूंगी, बिल्कुल फाइन चॉप्ड हुए हुए हैं, गाजर और ये हरी प्याज, गाजर, ये सब चीज़ें हम डाल दें। अब मैं कॉर्न्स डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, ये है वाइट पेपर, ये है चिकन पाउडर और काली मिर्च। स्पाइसेस हम डालेंगे, ये है ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छा, अब जो मैंने ये चिकन स्टॉक बनाया था चिकन को बॉईल करके ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने सॉल्ट यखनी में डाला था, बट अगर आपको इस स्टेज पर कम लगे, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड। ये मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, अब मैं ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, अब हम इसमें एग डालेंगे। एग निकाल के मैंने अच्छे से फेंट लिया है। एग डालने का इसमें तरीका क्या होगा, इसको एकदम आप नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे ताकि हमें एग के चंक्स नजर। ये देखें, मैं हल्के हल्के से ये हिलाऊंगी तो ये देखिए ये एग्स के चंक्स बन गए। अब हम इसको पूरे सूप में मिक्स कर देंगे। देखिए मेरा सूप रेडी है। अब इस उस पर हम आकर चूल्हा बंद कर देंगे। हो चुका है और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है सूप की। तो आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सूप कैसा लगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।